नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके एकमात्र भरोसेमंद सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। सशस्त्र बलों में नहीं चलेगी अब चापलूसी, सेवा प्रथा, अफसरशाही, सबको मिलेगा इक्वल सम्मान, सभी की मान मर्यादा तथा ओहदे की भी रखी जाएगी इज्जत। तो आइए देखते हैं पूरी खबर को संक्षिप्त में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सशस्त्र बलों में जवानों के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार को लेकर आए दिन सोशल मीडिया में खबरें व वीडियो आते रहते हैं, चाहे वो जवानों के खाने को लेकर हो या फिर अधिकारियों के घर पर उनकी बीवी बच्चों की गुलामी का। तो आइए देखें इस संदर्भ में कुछ खबरें। आर्मी चीफ ने जारी की नई गाइडलाइन, अब फौजियों से नहीं लिया जाएगा अर्दलियों जैसा काम। यानी कि सेना प्रमुख यह स्वीकार कर चुके हैं, तभी तो उन्होंने कहा कि जवानों से अब अर्दलियों का काम नहीं कराया जाएगा और सेवानिवृत्त अधिकारियों के पास जितने भी जवान काम कर रहे हैं उनको वापस बुलाया जाएगा। और दोस्तों, तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में तत्कालीन सांसद लालू प्रसाद जी ने भरी संसद में कहा था, जब 2001 में भारत पाक के बीच तनाव चल रहा था और युद्ध जैसे हालात थे, कि हमारी 50% सेना तो कुत्ता घुमा रही है, हम लड़ाई कैसे लड़ेंगे। यानी कि जवानों के जो वीडियो वायरल होते हैं और आए दिन जो खबरें आती हैं वो झूठी नहीं है, वो सत्य है। और इन सब बातों को हमारे सांसदों से लेकर सेना प्रमुखों तक स्वीकार करते हैं। तभी तो 31 मई को नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभालते इंडियन नेवी चीफ का फरमान, एक ही कप में चाय पियेंगे ऑफिसर्स और कर्मचारी, यानी कि एक ही थाली में खाना खाएंगे इंडियन नेवी के जवान और साहब। दोस्तों, ये सब कहने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वो जानते हैं अधिकारियों का बर्ताव जवानों के साथ ठीक नहीं है। उनके अनुसार आज के समय में मानवीय व्यवहारों और सामाजिक मूल्यों में बराबरी होनी चाहिए। ऐसा करने से बेहतर परिणाम निकलेंगे और नौसेना प्रमुख के इन नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। और उन्होंने जोर देकर कहा कि अब जवान अधिकारियों की पत्नी व बच्चों को स्कूल व बाजार लेकर नहीं जाएंगे। तो क्या सेना प्रमुख जनरल रावत साहब भी अपने यहाँ पर ये नियम लागू करेंगे? और उनके यहाँ पर जो जवान कार्य कर रहे हैं, क्या उनको उनकी यूनिटों में वापस भेजेंगे? दोस्तों, वीडियो में अपने बहुमूल्य कमेंट जरूर देना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।